you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Hi everyone, namaste, good morning and welcome to my channel. मैंने शार वगैरह सब कुछ ले लिया है. आज सावन का फर्स्ट सोमवार है तो आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा. तो हैप्पी सावन. और ये मंथ काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व एंड पवित्र एंड यू नो बहुत अच्छा माना जाता है. सो फास्ट तो नहीं रखा है मैंने. मैं जो लास्ट वाला जो आएगा उसमें मैं फास्ट रखूँगी. बट आज हम पूजा वूजा बहुत अच्छे से करने वाले हैं. मैंने शार वगैरह सब कुछ सुबह ही ले लिया था. और मुझे ऐसा लगता था जनरली होता है ना सावन जो होता है मंडे होता है उसमें बारिश बहुत अच्छी खासी होती है. बट इतनी बारिश नहीं हुई, मतलब बिल्कुल थोड़ी बहुत बारिश एकदम चली गई है मुंबई से. तो बिल्कुल हल्की हल्की सी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है. तो अभी मैं रेडी होंगी. मैं आज सोच रही हूँ पहनने का सूट एंड दिखाऊंगी आप लोगों को कौन सा सूट पहनूंगी. एंड साथ में आज प्रॉपर यू नो सब बिंदी विंदी लगा करके पूजा करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं दिन की. लेट्स स्टार्ट द डे. ऑल्सो रिसेंटली अभी मामा अर्थ ने अपना न्यू लॉन्च किया है और मुझे रिसीव हुआ है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. ये है मामा अर्थ का राइस वंडर वाटर विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन. इवन जब मैंने भी इसको देखा ना तो आई वॉज लाइक वाओ, इस तरह का प्रोडक्ट मैंने कभी यूज नहीं किया है. हम यूजली सेरम्स वगैरह ये सारी चीजें यूज करते हैं. सो दिस इज अ वंडर वाटर. ये करता क्या है और इसको लगाना कैसे होता है वो सब मैं अभी आपको बताती हूँ. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये 7 सेकंड्स में आपके बालों को डिटैंगल कर देता है. आपके हेयर टेक्सचर को ये इम्प्रूव करता है, हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है एंड साथ ही साथ दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. नाउ अब इसमें मिला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. इसके अंदर फर्मेंटेड राइस वाटर मिला हुआ है, कैरेटिन मिला है, कैस्टर मिला हुआ है. कैरेटिन वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. फर्मेंटेड राइस वाटर आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड स्मूथ रखता है. कैरेटिन आपके बालों को लेस फ्रिजी एंड शाइनी बनाता है. तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई है. तो क्या करना है आपको, वो आपको करना कुछ नहीं होता है. आपको ये लेना है, ये जो राइस वंडर वाटर है इसको अपने हाथों में लेना है, अपने पाम में एंड अच्छे से. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि जो लेंथ ऑफ द हेयर है यहाँ पर इसको अच्छे से लगा लेना है. विद इन 7 सेकंड्स में आपको इसको कोम कर लेना है और आपके जो टैंगल्स हैं वो पूरी तरह से ये टैंगल फ्री हेयर कर देगा. आपके बालों में से जो टैंगल्स हैं वो सारी हट जाएंगी. दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट जो है ये आपके बालों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देगा. इसके प्रोडक्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड यूज करेंगे देन यू विल गेट 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट पर. मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल इन Amazon, Nykaa and Mamaearth.in पर. तो आप मामाअर्थ की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ये iOS एंड Android दोनों के लिए अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा. इवन आप मेरा जो कूपन कोड है वो यहाँ ऐप पर भी यूज कर सकते हैं. इट इज वैलिड फॉर दिस एज वेल. एज यू ऑल नो दैट मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड. आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे मामाअर्थ की वेबसाइट से, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का इनिशिएटिव ये है कि आप एक मामाअर्थ से अच्छा प्रोडक्ट तो परचेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामाअर्थ एक टॉक्सिन फ्री ब्रांड है कि कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज ही करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में. एंड इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनते हैं. सो यस, अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो आज ही मैंने बैल्कनी को बिल्कुल एकदम वॉश सब कर लिया है. सुबह से सारे काम हो चुके हैं, मैं पूजा करूंगी. एंड आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है. ये मैंने मिंत्रा से किया था एंड सब मंगल सूत्र वगैरह सब कुछ पहन लिया है अपना. खतरनाक वाला कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है. एकदम ये खटरपटर वाली आवाज आ रही है ना, ये विंडो लगने के बावजूद भी हमको थोड़ी बहुत आ रही है क्योंकि एकदम सामने और बहुत नॉइजी वाला. बोलते हैं सम्रानी कप. इसका लिंक आपको मेरे Amazon स्टोर पे मिल जाएगा.
सो बेसिकली क्या होता है ना, इसके अंदर सारी हवन सामग्री होती है. तो अब क्या होता है, जैसे कौन कंडा हवन सामग्री कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये आपका एक छोटा सा हवन हो गया है. तो आप इसको हर हफ्ते, जैसे हम लोग 2-3 बार जला लेते हैं, ट्यूसडे व्यूजडे ऐसे एक आध दिन जला लेते हैं, एंड इतना अच्छा इसका ये जो निकल रहा है ना, इससे पूरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं आपके घर में, मॉस्किटोज होते हैं, सब कुछ क्लीन हो जाता है. इतना अच्छा वाइब एंड ऑरा हो जाता है आपके घर का. सो आई हाईली रिकमेंडेड, मतलब हमारे यहाँ तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं जलाती हूँ, मतलब हर बार हर थोड़े दिन में हमारे यहाँ ये जलता ही है, एंड ये बहुत अच्छा है, मतलब ख़त्म हो जाता है, एक पैकेट हमारे यहाँ एक्स्ट्रा रखा ही रहता है. सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, आप ज़रूर इसको परचेस करिएगा इफ़ यू बिलीव इन ऑल दिस. यू नो, अगर आप पूजा में भी हम इसको लगाते हैं एंड फिर पूरे घर में इसको घुमा देते हैं, आप इसका धुआं देखिए, पूरे घर में हो जाएगा एंड बहुत अच्छा मतलब ऑरा क्रिएट कर देगा ये. तो मैं फटाफट से खिचड़ी बनाती हूँ खाने में, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ. गुड इवनिंग, अभी शाम हो चुकी है और एक्चुअली आज मेरा एडिटिंग डे था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं एडिटिंग में बिजी थी. अभी भी थोड़ा सा टचअप्स रह गए, मतलब म्यूजिक ऐड करना रह गया है क्योंकि शाम हो गई है, सावन का टाइम चल रहा है. तो वैसे भी हम लोग पूजा करते ही हैं, बट अभी थोड़ा और अच्छे से पूजा करने वाली हूँ मैं. और आज मैं दिन भर से ये सूट पहनी हुई हूँ क्योंकि वेदर अच्छा हो रखा है. अदरवाइज वेदर अच्छा रहता है ना, तो ये कॉटन की चीज़ें, तो कॉटन वगैरह का सूट है मेरा, तो इसे मैं पहन सकती हूँ. लेकिन अगर वेदर अच्छा नहीं है फिर तो मुझे लूज अपने जो नाइट सूट्स है मुझे वही पहनना होता है. तो यस, मैं आपको पूरा सूट दिखाती हूँ. मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, देखिए This is the bottom. तो पहनने में भी ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आया, अभी रात में चेंज कर लूँगी, नाइट सूट पहन लूँगी, बट दिन भर के पहनने के लिए इट्स क्वाइट गुड. तो मैं फटाक से पूजा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग. तो आज है नेक्स्ट डे, आज ट्यूजडे है एंड आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मेरा योगा खत्म हो गया एंड मेरी यहाँ पर चल रही है कुकिंग. ये बन रही है लौकी आलू की सब्जी, उसके बाद ये मैंने दाल का जो मसाला है वो फ्राई कर दिया है, यहाँ पर जो दाल है वो बॉईल हो रही है, और अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी. अभी सिर्फ 9 बजे हैं एंड ऑलमोस्ट मेरा बहुत सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है. एंड ऑल्सो अभी हमारे ये इतना पानी कैसे गिरने लग गया, एसी है इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी जो है वो टपक रहा था, बहुत ज़्यादा टपक रहा था, तो ये विक्की क्लीन कर रहा है. देखिए कितना पानी टपका है. और यहाँ पर मेरा एंटरटेनमेंट का फुल इंतज़ाम रहता है, मतलब रोटी बनाते टाइम मेरा वीडियो चलता रहता है. सो यस, हो गई ऑलमोस्ट, अब बनाऊँगी रोटियाँ. तो ये है हम लोगों का लंच, लौकी की सब्जी, धनिया नहीं था तो मैं सिर्फ इन्हीं के साथ खा रही हूँ, और ये है राइस, बहुत थोड़े से राइस हैं, अभी सुबह ख़त्म हो जाएंगे. तो ये है हम लोगों का लंच, बज रहे हैं 11:10 हो रहा है, और लंच करके 4 बार सब ले लिया है, लंच करके मैं आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस, तो अभी एक्चुअली खाना वाना खाने के बाद मैं निकल गई हूँ, मैं जो पहनी थी वही पहन के निकल गई हूँ घर के कपड़ों में, क्योंकि मेरे कैमरा जो कैनन है, कैनन इंडिया है, उनका फ़ोन आया था एंड दे सेड मी कि आपका सब कुछ कैमरा वैमरा सब हो चुका है रेडी, तो आप 3 बजे से पहले कभी भी आके ले सकते हैं. अभी बजा है 11:45, तो पहले विक्की नहीं जाने वाला था, मैं ऑटो से जाती, बट विक्की मुझसे बोलता है 1000 रुपये ऑटो वाले को दोगी, क्योंकि ऑब्वियसली भी जिस हिसाब का पेट्रोल के चार्जेस हैं ऑटो के और ट्रैफिक जैम जितना रहेगा तो वो तो बहुत लग जाएगा आने जाने का, तो फिर वही लेके चल रहा है मुझे, क्योंकि सिर्फ कलेक्ट ही करके आना है. मैं थोड़ा सा चेक करूँगी और फटाक से आ जाऊँगी. तो गाइस, अब हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में आना था ना वहाँ पहुँच गए. बापरे, 2 घंटे में पहुँचे हम लोग. आई गॉट माई कैमरा और बापरे इतना ट्रैफिक है, जाते टाइम भी आते टाइम भी मेरा सर दुखने लग गया है. अभी इतना बाहर निकलते नहीं है और इतनी देर बैठते नहीं ना ट्रैफिक में, तो बिल्कुल आदत छूट गई है. पहले तो तब भी मतलब मैं आ जा लेती थी आराम से, बट अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं और बहुत सारा पानी पी लूं. इतनी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, इतने दिनों से इतनी बारिश हो रही है, मतलब वेदर वैसे ठंडा, थाने में इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी नहीं हो रही जितनी यहाँ है. यहाँ अंधेरी में भयंकर वाली ह्यूमिडिटी है. अभी हम लोग थाने में रहते हैं ना, वहाँ पर भी होती है बट इतनी नहीं होती, यहाँ बहुत ज़्यादा है. तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारा पानी पी लूँ और घर जाके सो जाऊँ. ठीक है, अब आप इसका रिकॉर्डिंग करिए. नहीं लगता है
आपके चली गई। अगर आप 15 पे रखते हो तो 3.5 आ सकती है, वेरिएबल अपर्चर है वो कांस्टेंट है। मैं आ गई हूँ, मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ आ गया है और मैं काफ़ी देर बाद मतलब शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से 6:15। सो एक्चुअली हुआ ये था कि विक्की ने मेरे को ड्रॉप कर दिया था लेंस अपने कैमरे के लिए, एक लेंस देखना था मुझे, ब्लॉगिंग लेंस ही है वो। मैं काफ़ी टाइम से सोच तो रही थी, यस अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, चिल मार रही हूँ, विक्की अपना काम कर रहा है क्योंकि आज का मेरा दिन तो पूरा इसमें निकल गया है और मेरा इतना हेडेक हो रहा है, मुझे इतना हेडेक हो रहा है, जब मैं बाहर से ऐसे आती हूँ ना तो मेरे को हेडेक स्टार्ट हो रहा है। मेरा ये मास्क ड्राई होता है तब तक मैं फटाफट से रोटियां बनाती हूँ, प्रिपरेशन कर ली है और बाकी की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी रखी हुई है, सब्जी दाल तो उसको सिर्फ गर्म करके खा लिया जाएगा। अभी रात हो चुकी है, रात के 10:30 बजे हैं और हम लोगों ने ना गुड लक स्टार्ट करी थी परसों से, ठीक है। अभी हम लोग डेली का एक एपिसोड देख रहे हैं, लालच बुरी बला है, अच्छी सीरीज बनती नहीं है और अगर खत्म हो जाएगी तो फिर देखेंगे क्या। और अभी ना हमने दूसरी दो देख ली ना अभी अपन ने, हाँ दूसरा एपिसोड अभी देख रहे हैं, दूसरा नहीं तीसरा, मस्ट वॉच। मतलब आप उसमें एक वो जो बंदा है छोटा वाला जो है, भाई है मतलब, हाँ। एक फैमिली है जिनको नहीं पता, उनके कंटेक्स्ट में बता देती हूँ, एक फैमिली है मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है ना आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा, हस्बैंड वाइफ और दो भाई हैं, छोटा वाला हस्बैंड वाइफ और दो उनके बच्चे, हाँ एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का है, तो जो छोटा वाला है वो बहुत रिलेटेबल है इनसे, ठीक है। उसकी हरकत है इस तरीके से कि मैं लौट लौट के बिखर बिखर के हंस रही हूँ, मुझे इतनी हंसी बहुत अच्छी, ये हंस रहा है जो हंसता नहीं है, ये हंस रहा है, इसको भी खूब हंसी आ रही है, बहुत मस्त है, मतलब हाईली रिकमेंडेड, बिल्कुल ऐसी हालत में हो रही है। रात की 11 बज रहे तो आप लोग देखिएगा जरूर, चलो चालू कर दो। सिंदूर की आवाज को ध्यान से सुनो ना, उसमें एक संगीत है, ऐसा लगता है कोई चूरन वाली पाइप में मुंह डाल के सीटी बजा रहा हूँ। तो गाइस जरूर देखिएगा आप लोग, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे और अभी वही सुबह का कुकिंग वुकिंग चल रहा है, तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल तड़के वाली, तो मैं छोटी सी ग्लिम्स ले लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी जो मूंग की दाल होती है वो बना रही हूँ, एंड यस कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। I'm happy, it's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened, knock on wood. I try to stay cool on the surface, I'd ask you to stay if I could, though my lips are sealed, you still get me, yeah you do. That's why I said that we should be. काफ़ी लोगों ने, अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने अपने आके वेजीज के बारे में बताया था कि इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसमें 2-3 लोगों ने ऑप्शंस लिखा था बिग बास्केट का एंड ऑल्सो अमेजन पेंट्री का, तो बिग बास्केट से ही हम लोग, मतलब वो एक टाइम था जब विक्की लेकर के आया था और इतनी एक्सपेंसिव सब्जियाँ मिली थी, बट देन वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम यू नो बिग बास्केट ओनली। तो ये अभी आया है, फ्रूट्स आए हैं अभी बिग बास्केट से, तो ये है बनाना और
पॉमिग्रेनेट मंगवाए हैं एंड दीज आर द किनूज, मतलब ये ऑरेंज होता है, इम्पोर्टेड ऑरेंज होता है तो उसको क्विनू बोलते हैं. क्विनू होते हैं ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं. मौसम्बी और ऑरेंज के बीच का टेस्ट आता है, मतलब ना बहुत खट्टा होता है ना बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है. तो ये ही हम लोग ने मंगवाए, फ्रूट्स मंगवाए. लिटरली मतलब जो चीज़ यहाँ 150 रुपये में मिलती है वो ये हमको 110 रुपये में, मतलब 110 रुपीज में आराम से बिग बास्केट में मिल जाती है. तो डेफिनेटली प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. वेजिटेबल्स हमने ट्राई करी एक दो बार बट वो कीड़े लगी हुई आ लिया. वेजिटेबल्स हम नीचे से ले लेते हैं बट फ्रूट्स वगैरह जो है वो हम लोग मंगवाने लग गए हैं. तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है ये और बहुत कुछ हुआ भी नहीं है इसमें. अब इसी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि डेली डेली में हम लोगों की लाइफ में भी कुछ इतना हैपनिंग नहीं होता है. तो जो था एकदम नॉर्मल सा व्लॉग था ये. आई होप यू एंजॉयड इट एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.